आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते के रिलीज हुए 3 साउथ फिल्मों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। रवि तेजा की फिल्म क्रेक, राम पोथिनेनी की फिल्म रेड, साथ ही साथ श्रीनिवास बेलामुकुंडा की फिल्म अल्लूडो अदूर्स के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इन तीनों फिल्मों ने कितने करोड़ की कमाई की और इसमें से कौन सी फिल्म हिट हो गई और कौन सी रह गई फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं राम पोथिनेनी की रेड फिल्म के बारे में। तो दोस्तों रेड फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए अब दूसरा हफ्ता चल रहा और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म को इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर पूरे 11 दिन कंप्लीट हो गए और फिल्म ने 11 दिनों में अपना पूरा बजट रिकवर कर लिया और यह फिल्म राम पोथिनेनी के करियर की एक और बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है। अगर बात की जाए इस फिल्म के अब तक के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों रेड फिल्म ने वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 34 करोड़ 50 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 34 करोड़ 50 लाख रुपए का किया है। वही इस फिल्म का शेयर कलेक्शन आया है लगभग 19 करोड़ रुपए। फिर से बता दूं दोस्तों, रेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें अल्लूडो अदूर्स फिल्म के बारे में, तो अल्लूडो अदूर्स एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म में नजर आ रहे हैं श्री साईनिवास बेलामुकुंडा, नभा नितेश और सोनू सूद। दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए अब दूसरा हफ्ता चल रहा और इस फिल्म ने सभी को सरप्राइज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब लग नहीं रहा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज्यादा चल जाएगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई की और दूसरे हफ्ते में भी फिल्म के कलेक्शन ठीक ठाक आए। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए अल्लूडो अदूर्स के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन के बारे में, तो अल्लूडो अदूर्स ने अभी तक वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 12 करोड़ 80 लाख रुपए का। वही इस फिल्म का शेयर कलेक्शन आया है लगभग 7 करोड़ 30 लाख रुपए। आपको बता दें दोस्तों, अल्लूडो अदूर्स फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी तक सिर्फ एवरेज साबित रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन, वही इस फिल्म को शेयर कलेक्शन लगभग 2.5 करोड़ का और करना होगा। तो अब देखते हैं कि फिल्म हिट हो पाती है या नहीं। वही दोस्तों बात करें मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म क्रेक के बारे में, तो दोस्तों क्रेक फिल्म ने तो सभी को हैरान कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से क्रेक जैसी कोई फिल्म रिलीज होगी और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रवि तेजा की फिल्म क्रेक के साथ में लगभग 2 से 3 और साउथ की फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन इतने सारे फिल्में रिलीज होने के बाद भी रवि तेजा की फिल्म क्रेक बॉक्स ऑफिस पर 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। साथ ही साथ इस फिल्म ने रवि तेजा के करियर की हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अगर बात करें दोस्तों कि क्रेक फिल्म ने अभी तक टोटल कितनी कमाई की, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि क्रेक फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 54 करोड़ 50 लाख रुपए का। वही दोस्तों क्रेक फिल्म का जो अभी तक का शेयर कलेक्शन है वो रहा लगभग 33 करोड़, यानी कि लगभग 33 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, क्रेक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर।